हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमने लिया है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज हम इस लेक्चर में कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि वो प्रोग्राम कब प्रारंभ हुए, उनके अंदर क्या क्या कार्यक्रम हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सके और आप वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सजेशन है तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैनल, आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चार प्रोग्राम्स के बारे में, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के बारे में, थर्ड आपका HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स के बारे में, और फोर्थ है आपका IVLP यानी इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, चार प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम। सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका शॉर्ट फॉर्म भी IADP ही है, IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी सघन कृषि विकास कार्यक्रम। सबसे पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1959 में, स्टार्ट हुआ था 1959 to 60 में स्टार्ट किया गया था। और इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्ड फाउंडेशन नाम की एक कहते हैं समिति थी, उसने उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। और अगर हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी सघन कृषि जिला कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सघन कृषि विकास कार्यक्रम का एक पार्ट है जो कि स्टार्ट किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो उपरोक्त सोच का प्रमुख परिणाम कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्नों के प्रति गहन दृष्टिकोण की रणनीति का निर्माण था। IADP नाम से एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे 1960 से धीरे धीरे शुरू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ने इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में शामिल किया। इस कार्यक्रम को लोकप्रिय रूप से पैकेज प्रोग्राम के रूप में जाना जाता था। बेहतर बीजों, सिंचाई, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा, औजार, ऋण इत्यादि की सभी प्रथाओं के सामूहिक और युगपत अनुप्रयोग के कारण यह नाम दिया गया था। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि IADP जो प्रोग्राम है 1960 में स्टार्ट किया गया था, इस बात को नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को थर्ड जो कहते हैं फाइव ईयर प्लान है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 1961 to 1966 में चलाया गया था, इस पंचवर्षीय योजना में इस प्रोग्राम को क्या करा गया, शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ओके, और थर्ड जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं आवश्यक है वो ये है कि इसको पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, यानी दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ दिस प्रोग्राम। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि पैकेज प्रोग्राम किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पैकेज प्रोग्राम के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं IADP है, IADP जो है वो पैकेज प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। और पैकेज प्रोग्राम के रूप में क्यों जाना जाता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा, औजार, ऋण इत्यादि
जो सभी प्रथाएं हैं वो सामूहिक और युगपत अनुप्रयोग के कारण यह नाम दिया गया था। यानी इतनी सारी चीज़ों का समावेश एक साथ इस प्रोग्राम के अंदर किया गया था, इस वजह से IADP जो प्रोग्राम है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कह लो या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कह लो, उसे हम पैकेज प्रोग्राम के रूप से के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में 7 चयनित जिलों में जुलाई 1960 में शुरू किया गया था। वे AP में पश्चिम गोदावरी, बिहार में शाहबाद, तमिलनाडु में तंजौर, MP में रायपुर, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में पाली और UP में अलीगढ़। इन जिलों का चयन कम समय में उपज बढ़ाने के लिए उनकी उच्च क्षमता के आधार पर किया गया था। इन चयनित जिलों ने सिंचाई, अच्छी तरह से विकसित सहकारी समितियों, अच्छी भौतिक अवसंरचना और न्यूनतम खतरों के लिए पानी की आपूर्ति का दावा किया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें भी ये है कि जो सबसे पहले जब ये IADP प्रोग्राम चला था, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चला था, जिसका बेस लाइन जो क्या था वो था डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये कितने जिलों में स्टार्ट किया गया, ये क्वेश्चन भी मोस्टली बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 7 जिले यानी 7 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें 1960 में सर्वप्रथम, सबसे पहले कहते हैं, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। वो 7 जिले आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि कौन से 7 जिले हैं, तो उन 7 जिलों के नाम आप यहाँ पे दिए हुए हैं। AP यानी आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी है, बिहार में शाहबाद है, तमिलनाडु में आपका कहते हैं तंजौर है, ठीक है, और इस तंजौर और पंजावर, दूसरा नाम इसका पंजावर भी है, पंजावर के नाम से भी जानते हैं। MP में रायपुर है, पंजाब में लुधियाना जो जिला है वहाँ पे, राजस्थान में जो पाली है वहाँ पर, और UP में अलीगढ़। ये जो 7 ज़िले हैं, इन 7 ज़िलों में IADP जो प्रोग्राम था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था। और ये स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि इन जो ये ज़िले हैं, इन ज़िलों ने क्या है कि अच्छी सिंचाई की क्षमताएं इनके पास थी, इसके बाद में अधिक उपज बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता के आधार पर इनका चयन किया गया था, इसके बाद जो अच्छी तरह से विकसित सहकारी समितियां थीं वो भी इनके पास थीं, और अच्छा भौतिक अवसंरचना और न्यूनतम खतरों के लिए पानी की आपूर्ति का दावा किया गया था। मतलब ये सारी जो कहते हैं गुण थे, जो क्वालिटीज थी, वो इन जिलों में पाई जा रही थी, इस वजह से इन जिलों ने कहते हैं इन जिलों में सबसे पहले इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हम उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जो उद्देश्य हैं IADP के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वित्तीय तकनीकी विस्तार और प्रशासनिक संसाधनों की एकाग्रता के माध्यम से कृषि उत्पादन के स्तर में तेज़ी से वृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका कहते हैं फर्स्ट उद्देश्य है IADP के, क्या है कि वित्तीय मतलब इकोनॉमिक, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, और विस्तार मतलब एक्सटेंशन, और प्रशासनिक संसाधन जो है उनमें एकाग्रता के माध्यम से क्या करना है, उत्पादन के स्तर में तेज़ी से वृद्धि हासिल करनी है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य बनाया गया है। इसके बाद में सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो उत्पादकता में स्व उत्पादकता, सफलता हासिल करना और उत्पादन करना और परिवर्तन की मानव और शारीरिक प्रक्रिया को उत्तेजित करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ये भी इसका एक उद्देश्य बनाया गया है। थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड वन में क्या है कि उत्पादन बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों का प्रदर्शन करना और इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में इस तरह के गहन कृषि उत्पादन के विस्तार के लिए सबक प्रदान करना, यानी हमको ऐसा प्रोग्राम कहते हैं बनाना है और जिस प्रोग्राम का हम प्रदर्शन कर सकें, और उस प्रोग्राम का प्रदर्शन करके हम क्या है कि लोगों को मोटिवेट कर सकें, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है IAAP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये IADP जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके बाद सेकंड कड़ी जो कहते हैं सेकंड स्टेप दिया गया, वो सेकंड स्टेप में क्या था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 30% की वृद्धि
30% की वृद्धि IADP के माध्यम से की गई। नीति निर्माताओं और प्रशासकों के बीच कृषि का गहन प्रचार बहुत लोकप्रिय था। इसके परिणाम स्वरूप IADP का संशोधित संस्करण कम गहन और इसलिए कम खर्चीला कार्यक्रम तैयार किया गया। और इसके बाद क्या है कि 150 जिलों के चयनित ब्लॉकों में लॉन्च किया गया, इसे IAAP नाम दिया गया। चयनित ब्लॉकों में वैसी ही भौतिक स्थितियाँ थीं जैसी IADP के लिए जिलों को चयन करने के मामले में थीं। इस कार्यक्रम के तहत देश के 20-25% खेती क्षेत्र को गहन कृषि विकास के लिए उज्जैन लाया गया। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि थर्ड जो कहते हैं हमारा 5-ईयर प्लान था, जिसमें कि कहते हैं IAAP जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसमें क्या हुआ कि 30% की हमने वृद्धि करी खाद्यान्न के उत्पादन में। ठीक है, अब इससे जब प्रभावित हुए तो इससे प्रभावित होकर के क्या करा गया कि कम गहन कम सघन, जो सघन की हम इंटेंसिव की बात कर रहे थे, तो कम गहन और कम खर्चीला कार्यक्रम तैयार किया गया और जिसको क्या नाम दिया गया IAAP नाम दिया गया। और इसको 150 जिलों के चयनित ब्लॉकों में लॉन्च किया गया था। 150 जिलों के जो चयनित ब्लॉक थे जिनको सेलेक्ट किया गया, और सिलेक्शन का जो आधार क्या था, जो फिजिकल कहते हैं कंडीशन थी, जो भौतिक स्थितियां थी वो कैसी थी, IADP के लिए जैसी जिलों के लिए हमने चयन करी थी उसके जैसी। ठीक है, तो ये तो रहा IAAP का, और इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि IAAP के कार्यान्वयन को स्वीकार किया गया था कृषि उत्पादन बोर्ड द्वारा मार्च 1964 में परिचालन में आया। ठीक है, 1964 में इस IAAP प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ये केवल हमारे कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानने लायक हैं, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। समय कम है तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हाँ IAAP जो कार्यक्रम था वो ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट किया गया था। जो 150 कहते हैं जो जिले थे उसमें सिलेक्टेड जो कहते हैं आपके ब्लॉक्स थे, उन सिलेक्टेड ब्लॉक्स में कहते हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ याद रखने की है। इसके बाद में क्या है कि जो फिजिकल कंडीशन थी वो फिजिकल कंडीशन कैसी थी, जैसे कि IADP में जो हमने डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, सिलेक्शन किया था, उसी के आधार पे हमने क्या करा कि ब्लॉक का चयन किया IAAP में। और जो IAAP है वो कम खर्चीला है, ठीक है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हैं, और जो सघनता है यानी कि जो इंटेंसिव है वो भी क्या है कम है। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। क्लियर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, यानी अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है HYVP 1966 में लॉन्च किया गया, जिसने देश को भोजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद की। तकनीकी विकास केवल उच्च उपज वाली फसल किस्मों की शुरुआत तक ही सीमित नहीं रहा, इन्हें उच्च विश्लेषण और संतुलित उर्वरक, सिंचाई, पौधों की सुरक्षा, उन्नत उपकरणों आदि के साथ जोड़ा गया, जिससे देश में हरित क्रांति संभव हो सकी। उच्च उपज प्रौद्योगिकी का व्यापक कृषि प्रभाव कृषि उत्पादन के अन्य क्षेत्रों जैसे पशु उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन, शहरी कल्चर, सामाजिक वानिकी आदि में फैल गया। ठीक है, तो HYVP की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम था 1966 में स्टार्ट किया गया, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं कि 1963 में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था भारत में। लेकिन जो 1963 में क्या किया गया कि मेक्सिको से, जो मेक्सिको जगह है वहाँ से गए थे थोड़ी सी मात्रा में जो हाई वैरायटी जो प्रोग्राम हाई वैरायटी थी, अधिक उपज वाली जो वैरायटी थी उनको कहते हैं भारत में लाया गया था। और जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे मेक्सिको के, कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये हरित क्रांति के कहते हैं जनक भी हैं, ये कहते हैं मेक्सिको में जो कहते हैं अनुसंधान संस्थान था गेहूं का, वहाँ के निदेशक थे, और उन्होंने क्या करा कि जो बौने गेहूँ की कुछ प्रजातियाँ थीं वो हमारे यहाँ पर भेजी। ठीक है, तो HYVP में क्या था, अधिक उपज वाली जो प्रजातियाँ थी उनको लॉन्च किया गया था, और इसके माध्यम से क्या हुआ कि भोजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की में मदद करी थी इस प्रोग्राम ने। और इन फसलों की फसल किस्मों की शुरुआत तक ही सीमित नहीं रहा,
इन्हें उच्च विश्लेषण और संतुलित उर्वरक, सिंचाई, पौधों की सुरक्षा, उन्नत उपकरणों आदि के साथ जोड़ा गया। मतलब केवल ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हम केवल जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वैरायटी जो कहते हैं वैरायटियाँ थीं जिनको हम लेकर के आए थे, केवल उन्हीं को हमने यूज नहीं करा, बल्कि इसके अलावा हमने क्या करा कि जो उन्नत जो उच्च जो संतुलित उर्वरक था वो भी हमने देना स्टार्ट करा। सिंचाई में भी हमने जो नियमितता बनाई गई वही नियमित तरीके से सिंचाई करी गई, और पौधों की सुरक्षा से संबंधित कहते कार्य भी हमने किए, और जो उन्नत उपकरण थे उनको भी हमने यूज करना स्टार्ट किया था इस कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, तो अकेला केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल जो सीड्स थे उन सीड्स का ही हमने यूज किया, सीड्स के साथ साथ हमने क्या था जो फर्टिलाइज़र थे आपके जो कहते हैं आपका प्लांट प्रोटेक्शन था वो भी हमने स्टार्ट किया, आपका जो इरिगेशन के चैनल्स थे तरीके थे मेथड्स थे वो भी हमने यूज करे, और इसके बाद में आपका जो कहते हैं इक्विपमेंट जो वगैरह एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे उनका भी यूज करना हमने स्टार्ट किया था। और इसका जो व्यापक असर था वो किस में भी पड़ा, पशु उत्पादन में, मत्स्य पालन में, सेरिकल्चर और आपका सामाजिक वानिकी आदि चीज़ों में भी हमने कहते हैं डेवलपमेंट किया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे बात में क्या है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी हिस्सों को शुरू में इस रणनीति के चरणबद्ध लॉन्च के लिए चुना गया था। 1966 से 67 के बाद से HYUP की खेती से काफ़ी हद तक इन फूड ग्रेन्स उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया, चावल के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई, हालांकि गेहूं के मामले में उतना नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत अनाज और बाजरा के 2.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के कवरेज का लक्ष्य पार कर गया, यह कवरेज 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक था। ठीक है, तो HYUP जो प्रोग्राम था उसमें क्या हुआ, चरणबद्ध तरीके से कुछ हिस्सों को पश्चिमी हिस्सों पंजाब हरियाणा और यूपी के पश्चिमी हिस्सों को कहते हैं इसमें लिया गया था उनको, और 1966 से 67 में जो कहते हैं जो हमारा प्रोडक्शन था उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी कहते हैं हमने प्रोडक्शन किया था, और गेहूं का उत्पादन तो लगभग दोगुना हो गया था, चावल में का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया था। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो फाइव ईयर प्लान है उसके तहत अनाज और बाजरा के 2.5 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र के कवरेज का लक्ष्य पार कर गया। मतलब हमने जो क्षेत्र का कवरेज बनाया था कि 2.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में हम क्या करेंगे अनाज करेंगे। ठीक है, तो वो हमने कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और यह कवरेज 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक हो गया। मतलब 2.5 करोड़ का हमने लक्ष्य बनाया था और हमने क्या करा कि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक में कहते हैं हमने खाद्यान्न की यानी अनाज का उत्पादन लेना प्रारंभ कर दिया। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम यानी IVLP, संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम। तो ये संस्थागत ग्राम संपर्क यानी विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, और विलेज लिंकेज प्रोग्राम में क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। IVLP ICR द्वारा विकसित एक अभिनव कार्यक्रम है जो वैज्ञानिकों को कृषक समुदाय के साथ सीधा संवाद करने में मदद करता है ताकि किसानों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ विकसित हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ICR के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है, इस चीज़ को याद रख लेना। मोस्टली ये क्वेश्चन कहते हैं एग्जाम में आ जाता है कि IVLP जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो फिर यहाँ पे हम क्या देंगे आंसर, ICR के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या करा गया, इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक थे वो कृषक समुदाय से सीधा संवाद कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की सुविधा इसमें उपलब्ध थी। ठीक है, और इसके बाद ताकि किसानों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित हो सकें, क्योंकि डायरेक्ट कहते हैं जो वैज्ञानिक हैं वो डायरेक्ट कहते हैं किसानों से संपर्क करेंगे, फार्मर से संपर्क करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेंगे, तो फिर जो कहते हैं उपयुक्त कहते हैं टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने में मदद मिलेगी कि फार्मरों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हमको विकसित करनी है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ अनुसंधान विस्तार और किसान प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार प्रक्रिया में मूल्यांकन और शोधन कार्यों को एक साथ ले जाकर फार्म लिंक स्थापित करते हैं। ठीक है, फर्म का लिंक जो है स्थापित करते हैं, मतलब ये यहाँ पे एक साथ में क्या होगा, रिसर्च भी होगी, विस्तार यानी एक्सटेंशन भी होगा, किसान प्रौद्योगिकी का विकास यानी कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसका भी हम कहते हैं डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, और
प्रसार प्रक्रिया में मूल्यांकन और शोधन यानी एवेल्युएशन का जो काम है उसको भी हम एक साथ में करते हैं। मतलब ये जो तीन चार काम हैं वो इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से हम एक साथ में करते हैं। ठीक है, यह अनुसंधान प्रणाली को प्रौद्योगिकियों का एक कैफेटेरिया उत्पन्न करने में मदद करता है जो कि छोटे उत्पादन प्रणाली में अधिक उत्पादक हैं, वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली में अधिक लाभदायक हैं और फॉर्म वूमेन के ड्रगरी को हटाने के लिए लिंग संवेदनशील हैं। ठीक है, तो दूसरी बात के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि अनुसंधान प्रणाली के प्रौद्योगिकों को एक कैफेटेरिया उत्पन्न करने में मदद करता है। कैफेटेरिया आप जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बैठ करके अपनी अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, इसी तरीके का कैफेटेरिया होता है। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कहते हैं लोग हैं, साइंटिस्ट भी जुटेंगे यहाँ पे और जो कहते हैं फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पे जुटेंगे और कैफेटेरिया बनाने का मतलब ये है कि सीधा संवाद होगा वहाँ पे। ठीक है, तो छोटे उत्पादन प्रणाली में अधिक उत्पादक, ये मदद किस में करता है कि जो छोटे उत्पादन प्रणाली में अधिक उत्पादक हैं वाणिज्यिक उत्पादन में अधिक लाभदायक होंगे, तो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी लाभदायक है और जो फार्म वूमेन के ड्रगरी को हटाने के लिए भी लिंग संवेदनशील है। ठीक है, जो आपका कहते हैं सेंसनाइजेशन है, वुमेन सेंसनाइजेशन के बारे में भी हम इसमें कहते हैं बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं उद्देश्यों के बारे में। तो उद्देश्य में ICAR के दिशा निर्देशों के अनुसार IVLP के उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर एक है आपका छोटे उत्पादन प्रणालियों की उत्पादकता के साथ स्थिरता पर जोर देने के साथ तकनीकी हस्तक्षेप शुरू करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो छोटी उत्पादन प्रणालियों की उत्पादकता है उसमें स्थिरता लेकर के आनी है और उसके बाद में क्या है कि जो तकनीकी हस्तक्षेप है वो भी आपको करना है कि आपने टेक्नोलॉजी को भी विकसित करना है इसके लिए। और सेकंड की हम बात कर लेते हैं, तकनीकी हस्तक्षेप और उनके एकीकरण को बनाए रखने के लिए उपयुक्त तकनीकों को पेश करना और एकीकृत करना उत्पादकता और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को तुलनात्मक रूप से अच्छी तरह से परिभाषित उत्पादन प्रणाली में ध्यान में रखना। ठीक है, तो जो तकनीकी हस्तक्षेप है उसमें एकीकरण को बनाए रखने के लिए और उपयुक्त तकनीकी को पेश करने के लिए भी इस कार्यक्रम को उद्देश्य बनाया गया है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड, वाणिज्यिक और ऑन फार्म उत्पादन प्रणाली में विपणन अधिशेष के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकों को प्रस्तुत करना और उन्हें एकीकृत करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो वाणिज्यिक और ऑन फार्म उत्पादन प्रणाली में जो कहते हैं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकियाँ यूज करी जा रही हैं उन तकनीकियों का यानी उन जो टेक्नोलॉजी है उनको प्रस्तुत करना है हमें और उनको एकीकृत करना है, मतलब एक साथ में लेकर के चलना है उनको। ठीक है, फोर्थ की हम बात कर लेते हैं, फोर्थ आपका है कि कृषि उत्पादों और अपशिष्टों के लिए उचित आर्थिक उपार्जन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अलावा कृषि और संरक्षण के लिए उचित फसल उपरांत प्रौद्योगिकी अपनाने की सुविधा। यानी जो उचित कहते हैं प्रौद्योगिकी है, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो फसल उत्पादन के लिए उचित प्रौद्योगिकी की जो आवश्यकता पड़ती है उस प्रौद्योगिकी को अपनाने की सुविधा इसमें प्राप्त होती है IVLP के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है 5 नंबर के ड्रगरी को दूर करने दक्षता बढ़ाने और कृषि मेलाओं की उच्च आय के लिए उपयुक्त तो तकनीकों को अपनाने की सुविधा। ठीक है, तो उच्च आय को बढ़ाने के लिए और कृषि मेलाओं की जो उच्च आय है और दक्षता बढ़ाना, उनकी ड्रगरी की दर को बढ़ाना दर करने के लिए, तो तकनीकों को अपनाने की जो सुविधा है वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं, मेसो और मेगा स्तरों पर पर्यावरण पर आधारित तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की निगरानी करना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो कि हमारे इस IVLP जो प्रोग्राम है इसके दिए हुए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।